नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ। बहुचर्चित मेवा चोपड़ा धोखाधड़ी केस में अहम गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के डर से भागकर रायपुर, जगदलपुर, चंडीगढ़, दिल्ली आदि शहरों में छुपकर रह रही थी आरोपी मेवा चोपड़ा। मेवा चोपड़ा ही दौड़ बाजार में नौकरी लगवाने एवं टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी कर लेती थी लोगों से पैसे। वर्ष 2017-18 के बीच लोगों को नौकरी एवं टेंडर दिलाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी के मामले में थाना सिटी कोतवाली जिला व दौड़ा बाजार में अपराध क्रमांक 484-485-486-487/20 धारा 420-34 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण से संबंधित आरोपी की पूर्व गिरफ्तारी की गई, लेकिन मुख्य आरोपी मेवा चोपड़ा की लगातार तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी सुनिश्चित करने करके टीम रायपुर एवं जगदलपुर भेजी गई थी। दिनांक 4/1/2021 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी मेवा चोपड़ा अपने बदौल बाजार के घर कुछ कागजात निकालने आने वाली है। इस सूचना पर सादी वर्दी में महिला बल के साथ उसके घर के आसपास पुलिस स्टाफ लगाया गया। मेवा चोपड़ा के आते ही पकड़ कर थाने लाकर महिला स्टाफ के सामने पूछताछ की गई। मेवा चोपड़ा के मेमोंडर कथन के आधार पर उसका HDFC बैंक का खाता को जब्त किया गया है तथा अपराध सबूत पाकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड चाहे ले गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर महिला सेंट्रल जेल रायपुर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी के दिशा निर्देश पर निरीक्षक विजय चौधरी एवं कोतवाली स्टाफ द्वारा की गई है। जुलाई 2020 में बलौदा बाजार के कुछ आवेदकों ने यहाँ FIR दर्ज करवाई थी कि मेवा चोपड़ा और अशोक पांडे नामक व्यक्ति ने इनसे महिला बाल विकास विभाग में नौकरी लगाने और टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। इस पर से 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद लगातार विवेचना की जा रही थी। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी मेवा चोपड़ा अशोक पांडे FIR के बाद से ही फरार चल रहे थे। इसमें से कल मुखबिर सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी मेवा चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में 4 गिरफ्तारियां और की जा चुकी है। प्रकरण के एक और मुख्य आरोपी अशोक पांडे उर्फ महेंद्र तिवारी, जो कि कोतमा का रहने वाला है, जिसके संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली गई है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही महेंद्र तिवारी व उसके परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा जो जनता के पैसे से, ठगी के पैसों से जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसे भी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।